नमस्कार, कुकु चित्रा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं और प्रसाद में भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें ये सामग्री चाहिए। स्टार्ट। हमें बेसन के लड्डू बनाने के लिए 200 ग्राम घी चाहिए, 200 ग्राम बेसन और 200 ग्राम चीनी। गैस को मीडियम पे जलाना है, कढ़ाई को रखना है, 5 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म करना है घी डाल करके। स्टार्ट। हमें इसमें 200 ग्राम घी डाल देना है। उसको बाद गर्म होने तक बेसन को भुनना है, ना हो जाए। स्टार्ट। अब हमारा घी गर्म हो गया है, अब उसमें बेसन डाल रहे हैं, भुनेंगे डिम फ्लेम पर, डियर फ्लेवर पर। दस मिनट के लिए बेसन भून रहे हैं। अब हम चीनी को मिक्सी में पीस बारीक पीस लेंगे, लड्डू में मिलाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए चीनी का मिक्सी में पीस के रख। अब हमारा बेसन ब्राउन हो गया है और इसको हम आर के हाँ ब्राउन हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद अब बेसन हमारा भुन गया है, उसको निकाल के हम बाउल में रख दे रहे हैं और पिसे हुए चीनी को मिलाकर उसका लड्डू बनाएंगे। थोड़ी रुक जाओ, अब इसमें हम चीनी मिला रहे हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। हम इसमें अब इलायची मिलाने जा रहे हैं खुशबू के लिए, स्वादिष्ट के लिए। मेरा तरकीबन रेडी हो गया, अब हम लड्डू बनाने जा रहे हैं। अब इसको हम हाथ से मसल करके लड्डू बांधने जा रहे हैं। लड्डू बनाकर हम इसको इस प्लेट में रख रहे हैं। अब आपका अगर लड्डू चिपकता तो हाथ में घी या पानी लगा करके, घी लगा कर बनाए। अब हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। ऐसी और रेसिपी के लिए ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें कुक विद चित्रा। धन्यवाद।